कोरोना काल से लड़ने में महिलाओं की भूमिका खास रही, खासकर उन दीदियों जो रिम्स किचन में थी। आज भी ये महिलाएं रोज 1000 से 1500 लोगों का खाना बनाती हैं और उन्हें खिलाती हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको। किचन में खाना बना रही महिलाओं ने बातचीत में बताया कि पिछले दिनों जब कोरोना आया था तब से लेकर आज तक उन्होंने काम करने से कभी इनकार नहीं किया। वो डटकर कोविड मरीजों तक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाकर पहुंचाते रहे। उन्होंने कहा कि अगर हम डर जाते तो मरीजों का ख्याल भला कौन रखता। पहली लहर का भी हमने सामना किया, दूसरी लहर का भी, और अब तीसरी लहर भी आएगी तो हम ऐसे ही डटकर मुकाबला करेंगे। जो भी मरीज यहाँ पर आते हैं उन्हें हमारी जरूरत है तो हम बिना हिचकिचाए उनकी सेवा के लिए तैयार रहेंगे। दरअसल रिम्स में प्रतिदिन 1500 मरीजों का खाना बनता है जिसमें महिलाएं रोटी सब्जी दाल चावल बनाती हैं और उसे पैक कर थाली में डालकर मरीजों तक पहुंचाती हैं। कोरोना के खतरे के बीच जिस तरीके से ये महिलाएं खुद को सुरक्षित रखते हुए ये पौष्टिक भोजन तैयार करती हैं, ऐसे में इन्हें कोरोना वायरस से कम करके नहीं आंका जा सकता। डर तो लगता है लेकिन हिम्मत करके काम करना पड़ता है। पहला लहर भी झेल ले, दूसरा भी झेल ले, तीसरा भी झेल ही लेंगे जी। हम सबको अच्छा लगता है कि अभी ऐसे मौके पे हम लोग को हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। और अभी ऐसा है कि डर का समय है, हर कोई घर से निकलता नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ है तो करनी तो पड़ेगी, नहीं करेंगे तो फिर। अभी तो अभी कम हो गई है पेशेंट, 1220, अभी 1600 कुछ थे पेशेंट, अभी कम हो गई है कोविड की वजह से। और ओपीडी भी अभी थोड़ा ले रहे हैं जल्दी, डॉक्टर लोग कम ही पेशेंट एडमिट कर रहे हैं, इसके वजह से कमी है अभी पेशेंट। डर तो सभी को लगता है मगर पिछले तीन ये तीसरी लहर आ गई है, अभी हम लोग डट के कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि और मजबूती से हम लोग करें। महिलाएं परिवार बनाती है, परिवार घर बनाता है, घर समाज बनाता है और समाज ही देश बनाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि महिलाओं का योगदान हर जगह है। महिला की क्षमता को नजरअंदाज करके समाज की कल्पना करना व्यर्थ। घर हो या फिर बाहर का काम हो, महिलाएं हमेशा सबसे आगे रही हैं। और अभी हमने आपको दिखाया कि रिम्स के किचन में प्रतिदिन महिलाएं 1000 से 1500 लोगों का खाना बनाकर और मरीजों को ठीक करती हैं। सिर्फ अपने हाथों का पौष्टिक आहार उन तक पहुंचाती हैं, अपने बारे में ना सोचकर उनके बारे में सोचती हैं। महिला एक ऐसा शब्द है जिसमें माँ आती है, तो कहते हैं ना माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने तो खुद मुझे लिखा है। कैमरामैन राजा के साथ मैं अदिति सिन्हा, न्यूज 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।